के स्टार्टर इतना खिला देंगे कि मेन कोर्स खाने का मन नहीं पड़ेगा। स्टार्टर कोशिश करिए कम खाएं, स्टार्टर कम खाइएगा तभी मेन कोर्स पे आप जा पाइएगा। ये रेडी है? हाँ, ऑलमोस्ट 20% है। ये फ्रूट चाट है, वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल। अच्छा अच्छा, ये रेडी, पाइनएप्पल। कुछ कमी नहीं होना चाहिए, बर्थडे बॉय आई है। और अभी हम लोग जस्ट स्टार्टर ही खाए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेट भर, मेन कोर्स डिज़र्ट भी बाकी है। ऐसा ऐसा खाना ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री एक ही है। जूस में सर मैंगो जूस होगा, ऑरेंज जूस होगा, पाइनएप्पल जूस होगा, लीची जूस होगा, चॉकलेट हो गया, फ्रूट पंच हो गया। तो उसमें सिर्फ एक ही आप कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, बाकी उसका चार्जेस लगेगा। आपका चार्जेस मतलब हम उसमें कोई भी रियल जूस या फिर वगैरह वगैरह कोई भी जो भी लेंगे आपका सेपरेट रहेगा। बिरयानी है, मटन लाल मांस है, फिश करी है, अंडा करी है एंड चिली चिकन विद मटन। मटन लाल मांस, मटन लाल मांस मतलब उसमें चावल के साथ में रहेगा। एक तुम भी खाएगा ना, एक में हो जाएगा ना चिकन दम बिरयानी? हाँ, एक चिकन दम बिरयानी, एक मटन। नहीं नहीं, ऐसा करिए जो है सब ले आइए। नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा आप लाइए, सब सब में से एक एक आइटम लेते आइए। हाँ सब चीज़ें एक, हाँ का पेट काफ़ी भरा हुआ। स्टार्टर में ही आपका ये हाल है तो फिर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? टेस्ट मुझे काफ़ी लीची का आई थिंक लग रहा होगा, क्योंकि मैंने भी अभी ट्राई किया। जूस टाइप का कुछ ऐसा टेस्ट लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि पेट ना भर जाए इसलिए पी नहीं रहा हूँ। ओहो, यानी कि पेट आप नहीं भरना चाहते थे कि क्योंकि अभी मेन चाह रहे हैं कि बहुत अभी डेजर्ट्स है, अभी बर्थडे सेलिब्रेशन आपका करना है यार। ओहो माय गॉड, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे सेलिब्रेट करना है अपना। तो अभी दो दो केक कटेगा और सब में बटेगा। ओहो क्या है ये? चिकन दम बिरयानी है, चिकन दम बिरयानी। और ये मटन, और ये दाल कोरमा, और ये रायता। ओके, नॉट वेल, एवरेज है। ओके, एक एक ले, एक लाना मेरे लिए। ये बटर चिकन इतना लजीज है, बता नहीं सकता हूँ। और ये फिश करी, ओहो हो, मुँह में देख के ही पानी आ रहा है, इतना टेस्ट से भरा हुआ है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अभी बोलने का हालत में नहीं है क्या? लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डोज हो गया। अभी तो स्टार्ट है यार, आगे बहुत कुछ खाना है। A few moments later, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, हालत ख़राब हो गई क्या खाते खाते? अरे कितना खा लिया यार। उसको तो खत्म करो जो प्लेट में लिए हो। और अभी मेन कोर्स खत्म हो गया है, हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग सूप मंगवाए हैं, एक चिकन सूप और एक वेज सूप। क्या क्या लेंगे? डेजर्ट में टार्ट है और साथ फ्रूट ड्राई केक है, ब्राउनी है, हलवा है और फिरनी है। ब्राउनी, गुलाब जामुन, हलवा। गुलाब जामुन नहीं, हलवा, आइसक्रीम भी है। हाँ आइसक्रीम, आइसक्रीम में कौन कौन सा है? वैनिला एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। वैनिला ले आइएगा, एक स्ट्रॉबेरी ले आइएगा, चॉकलेट भी है। चॉकलेट टार्ट है। हाँ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट टार्ट, चॉकलेट टार्ट। हाँ चॉकलेट टार्ट। पेस्ट्री भी है? नहीं पेस्ट्री नहीं। फ्रूट ड्राई केक, फ्रूट ड्राई चॉकलेट। हाँ चॉकलेट का ठीक है, एक एक दो पीस है। हाँ हाँ। तो हम लोग का अभी मेन कोर्स खत्म हो गया है, हम लोग अभी डिजर्ट्स के कोर्स जा रहे हैं। और डिजर्ट्स में हम लोग ने ब्राउनी है ना, और चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग देख के मंगवाइएगा जितना आप लोग खा सकें। ऐसे हम लोग स्ट्रॉबेरी और वैनिला और चॉकलेट मंगवा रहे हैं अभी के लिए फ़िलहाल। अगर अच्छा लगा तो और भी एक्स्ट्रा मंगवाएंगे, मंगवाते ही जाएंगे, मंगवाते ही जाएंगे, ख़त्म नहीं करना है। अभी वैसे बर्थडे सेलिब्रेशन भी बाकी, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग ने आइसक्रीम और कुल्फ़ी भी मंगवाया और यहाँ पर बहुत सारा डिज़र्ट्स है। डिज़र्ट्स में हलवा वगैरह सब है, तो सब एक एक पीस। तो कुल्फी में मेरा तो होश उड़ा हुआ है यार।
इतनी चीज़ें देख के। कुल्फी में वैसे 6 वेराइटी है, 6 फ्लेवर्स है। तो मैंने एक चॉकलेट मंगवाया है, एक मैंगो, मैंगो मैंगो एक चॉकलेट है, मैंगो। और आगे भी ट्राई करेंगे कुल्फी में क्या क्या। अभी ये देख लीजिए, अभी ये क्या क्या है। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या। ये मैंने नहीं मंगवाया था, ये पता नहीं, उन लोग कॉम्प्लीमेंट दे देता है उन लोग सब। ये क्या है, ये दिखा दो। ये शाही टुकड़ा बोल रहे हैं। हाँ, शाही टुकड़ा। हाँ, शाही टुकड़ा या मीठा टुकड़ा कुछ भी बोल सकते हैं। और ये रहा आपको, यहाँ पे ये चॉकलेट है। क्या क्या है यार, पता नहीं, पता ही नहीं। छोड़ो, हटाओ, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लाओ, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लेता हूँ। देखिए ना, ये इसका डेकोरेशन आप देखिए। मुझे लगा कि ये प्याला में है, और ये प्याला में नहीं, ये बिस्किट टाइप का। एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। कुछ बोलोगे? समझ गए। ये इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग हलवा हलवा खाएंगे नहीं उतना। एक बार फिर नहीं, हम लोग थोड़ा एक से टेस्ट कर लेते हैं। ठीक, एक में आधा आधा टेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, फिर नहीं, ये आ गया। ये उतना कुछ खास नहीं है। तो मैंने वैनिला और स्ट्रॉबेरी और वैनिला मंगवाया है। मैं पहले मैं स्ट्रॉबेरी चेक करूँगा। वैनिला, यहाँ पे पेस्ट्री आपको छोटा सा दिखेगा, यहाँ पे पेस्ट्री। ये क्या लाए सर? ये पान, सर मैंगो कुल्फी है और ये पान कुल्फी है। अब नहीं मिलते हैं, बना के दिया। प्राइस क्या है? तो यहाँ पे तीन तरीके का आइसक्रीम है, कुल्फी है, सॉरी, यहाँ पे तीन तरीके की कुल्फी है। ये चॉकलेट कुल्फी है, ये पान कुल्फी है, तीसरे का तो पता नहीं। हाँ, पता नहीं, ये पान कुल्फी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो पान कुल्फी एक बार ट्राई करेंगे हम लोग दोनों, क्योंकि अभी लिमिटेड क्वान्टिटी में मंगवाया है। अभी और भी आप आगे मंगवाएंगे, अगर अच्छा लगा, जो चीज़ में अच्छा लगा उसको मैं रिपीट में मंगवा सकते हैं आप, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा आइसक्रीम, और मैं अभी कुल्फी ट्राई करूँगा थोड़ी देर में, क्योंकि कुल्फी बहुत ज़्यादा पिघल रहा है। तो आप लोग पास आइए और मैं कुल्फी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगा। तो जैसे मैंने चॉकलेट कुल्फी बताया था, देख रहे हैं आप कितना पिघल रहा। आराम से भाई, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से खाओ। हाउ द टेस्ट, कैसा लग रहा है टेस्ट? इट्स अमेजिंग मैन। और ये पान कुल्फी, क्योंकि आज तक मैंने कभी खाया नहीं है, अभी मैंने पान कुल्फी ट्राई किया है। पान कुल्फी का टेस्ट, जैसे आप नाम ही से पता चलता है, एकदम पान की तरह टेस्ट लगेगा, एकदम पान वाला फ्लेवर है ये खाने। चॉकलेट कुल्फी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने अभी दो और मंगवाया है, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और एक मैं अभी खाऊँगा, और एक उसके लिए, क्योंकि उसने अभी टेस्ट नहीं किया चॉकलेट कुल्फी। ये सब मैं खा गया था, चॉकलेट इतना ज़्यादा टेस्टी है। वन ऑफ द बेस्ट कुल्फी आई हैव एवर हैड, चॉकलेट कुल्फी, वन ऑफ द बेस्ट कुल्फी। पटना वन मॉल में आपको मिलेगा, पूरा पैसा वसूल है। आइए, इंजॉय कीजिए, बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, ज़रूर से आइए, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मैंने ये केसर पिस्ता भी मंगवाया है अभी, केसर पिस्ता का। मैं सोच रहा हूँ हर एक फ्लेवर ट्राई करूँ। अभी मैंने दो चॉकलेट पान मैंगो ये सब कुल्फी ट्राई कर लिया है, और ये केसर पिस्ता है। अभी देखिए, जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा फूड के रिव्यू देने का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कुल्फी के मामले में ये नंबर वन है। मुझे तो कुल्फी यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा, खासकर चॉकलेट कुल्फी। तो मैं ट्राई करता हूँ, आपको भी बताता हूँ कैसा लगता है। तो हम लोगों ने केक पैक करवा लिया है, क्योंकि केक हम लोगों ने खाया नहीं है। तो दो केक, एक मेरे बर्थडे का, क्योंकि मेरा बर्थडे था नहीं, और एक इसके बर्थडे का, जो कि इसका बर्थडे भी था नहीं, और इसने बोला कि मेरा बर्थडे है। और दो केक पैक हो गया है, और ये मैंने दो कुल्फी और मंगवाया, तक टोटल 6 कुल्फी खा चुका है ये इंसान। जैसे अगर आप यहाँ पे बारबेक्यू में आ रहे हैं, तो आप बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए, चाहे हो या ना हो। क्योंकि आपको अगर बर्थडे सेलिब्रेट या पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे या पार्टी करते हैं, तो उसमें आपको केक मिलता भी है, प्लस आप पार्सल करके ले भी जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आपका अच्छे से सेलिब्रेट, आपको स्पेशल फील कराया जाएगा, आपको अच्छे से सेलिब्रेट कराया जाएगा बर्थडे वगैरह, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया इसका बर्थडे है, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ही बर्थडे है, इसका भी बर्थडे है, तो दोनों का दो दो केक मैंने काटा और घर भी ले जा रहा हूँ। आप बर्थडे या फिर कुछ पार्टी वार्टी वगैरह करते हैं, कुछ स्पेशल ओकेशन के लिए आप यहाँ पर आते हैं, तो आपको स्पेशल पूरा फील कराया जाएगा। तो ये हमारे साथ अभी शेफ विकास जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप कभी भी बारबेक्यू नेशन में कभी भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बारबेक्यू नेशन आपको यहाँ पे बहुत सारी फूड आपको प्रोवाइड करता है, और वो भी अनलिमिटेड।
आप कभी भी आना चाहें, बेहिचक आए यहाँ पे और इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे, फैमिली फ्रेंड किसी के साथ भी आके आप यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। इवन कि हमारे साथ सैफ जी आए हुए हैं, बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लंच आज किया है, तो रियली में उनका मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसा रहा, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने आज का लंच कैसा रहा उनका, हमारा जो खाना था वो कैसा लगा उनको, डेफिनेटली उनसे पूछना चाहेंगे। सर मैं लास्ट टाइम भी आया था और लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा था, मेरा तो हमेशा ये पहली बार आया है और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो आप लोग ज़रूर आइएगा, ट्राई कीजिएगा यहाँ पे पटना वन मॉल में। सबसे ज़्यादा पटना वन मॉल का बारबेक्यू सबसे बेस्ट रहता है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, उम्मीद है आपको ये बारबेक्यू का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।